आज है दिन थर्सडे का, तो आज हम शुरुआत करेंगे टेक टॉक्स 21 के एक और नए एपिसोड के, जिसमें हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर और जिसको हमने नाम दिया है टेकी थर्सडे का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक टॉक्स 21 के एक और नए एपिसोड में। वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बिना समय गवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले अमेजिंग फैक्ट को लेकर। क्या आप जानते हैं जब भी मार्केट में एक नया आईफोन लॉन्च किया जाता है उसमें टाइम 9:41 का ही एग्जैक्ट क्यों सेट किया जाता है? जानते हैं क्यों? एनी गेस? बताते हैं। तो ये टाइम इसलिए सेट किया जाता है क्योंकि स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहला आईफोन जो लॉन्च किया था वो इसी टाइम पर किया था। कैसा लगा आपको जानकर? तो अगला अमेजिंग फैक्ट, आप लोग को आईफोन तो बहुत पसंद होगा, सबके ये ड्रीम होता है कि मेरे पास एक कम से कम 1.5 लाख का फ़ोन तो होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, वर्ल्ड के करंट मार्केट में एंड्रॉयड का शेयर अकेला 87% है, जो कि iOS यूजर से काफ़ी ज़्यादा हैवी है। समझ रहे हो एंड्रॉयड की ताकत? तो अगला अमेजिंग फैक्ट, क्या आप लोग जानते हैं कि नोकिया जो अभी मार्केट में नए नए फोन्स लॉन्च कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फ़ोन है इनके जीस कैमरा की वजह से? बताते हैं क्यों। नोकिया जो है मोबाइल कंपनी शुरू करने से पहले एक टॉयलेट पेपर की कंपनी थी। कैसा लगा आपको जानकर? टॉयलेट पेपर। यहाँ पर एक और नया अमेजिंग फैक्ट है कि आप लोग जानते हैं कि एप्पल जो है अभी 1.5 लाख का फ़ोन कम से कम अच्छे से अच्छा बेच रहा है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि एप्पल का जो सबसे पहला फ़ोन था, आईफोन नहीं पहला फ़ोन, वो एक फोल्डिंग फ़ोन में था जो कि एक एप्पल की शेप में था। कैसा लगा आपको जान के? कहाँ iOS का फ़ोन और कहाँ फोल्डिंग फ़ोन, देख रहे हो ज़मीन आसमान का फ़र्क। क्या आप लोग जानते हैं कि जब गूगल ने अपना पहला ट्विटर अकाउंट बनाया तो उसने क्या ट्वीट किया? उसने ट्वीट किया एक बाइनरी कोड जो कि था 01 की फॉर्म में। कैसा लगा? क्या आप इसको डीकोड कर सकते हैं? तो भैया अगला अमेजिंग फैक्ट जो कि है डॉक्टर मार्टिन कूपर को लेकर, जो कि मोटोरोला के फ़ोन के डेवलपर थे। जी हाँ दोस्तों, मोटोरोला का पहला हैंडहेल्ड फ़ोन जो कि मार्टिन कूपर ने बनाया था, उन्होंने सबसे पहला फ़ोन बनाकर अपने घर पे कॉल नहीं की, उन्होंने कॉल की डॉक्टर जोल एस इंगल जो कि AT&T लैब्स के ओनर थे। उन्होंने कहा भैया हमने तुमसे पहले हैंडहेल्ड फ़ोन बना दिया है, देख रहे हो बंदे का स्वैग। आप सब में से कितने यूज़र्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में या फिर iOS में मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि मोज़िला फायरफॉक्स के लोगों में ये कोई फॉक्स नहीं है दोस्तों, ये बल्कि एक रेड पैंडा है, ये फॉक्स नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि अभी भी 2.1 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो डायल वाले फ़ोन यूज़ करती है, वो भी इस डिजिटल के दौर में? तो अगला अमेजिंग फैक्ट जो कि है YouTube को लेकर, क्या आप लोग जानते हैं कि YouTube जो है वो किस लिए बनाया गया था? आज तो हम बड़े मज़े से उस पर वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट और बता दूँ जो है वो किस दिन लॉन्च हुआ था जानते हो? 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे, और वो लॉन्च हुआ था 2005 में, जो कि इसका मकसद था एक वीडियो डेटिंग साइट। समझ रहे हो, वीडियो डेटिंग साइट, और आज एक वीडियो वॉचिंग साइट हो गई है जो कि अनलिमिटेड पैसा छाप रही है, समझ रहे हो? क्या आप लोग जानते हैं कि सैमसंग जो है मोबाइल वर्ल्ड में कितना ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये कंपनी मोबाइल बनाने के लिए बनी ही नहीं थी? क्या आप लोग जानते हैं 1938 मार्च के महीने में सैमसंग के नाम का एक ग्रॉसरी स्टोर खोला गया, लेकिन वो ग्रॉसरी स्टोर चला नहीं तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन में पैर रखा। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस तो हालांकि अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन 1960 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में पैर रखा, और सोच लो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में आज ये राज कर रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि जो फेमस डांसर माइकल जैक्सन थे, जब उनकी डेथ हुई थी तो ट्विटर, विकिपीडिया और सारे सर्च इंजन 30 मिनट्स के लिए डीडीओएस अटैक में चले गए थे, यानी बिल्कुल बंद। इन पर एक साइबर अटैक हो गया था, समझ रहे हो, 3:15 वही समय जिस दिन माइकल जैक्सन मरे थे। लोग जानते हैं कि 2011 में एक 75 साल की बूढ़ी औरत ने गलती से कॉपर ढूंढने के चक्कर में आर्मेनिया और जॉर्ज की जो इंटरनेट केबल है वो काट दी थी, समझ रहे हो, दो देशों में इंटरनेट ब्लॉक, वो भी एक कॉपर ढूंढने की गलती की वजह से। यार क्या हो तुम लोग। क्या आप लोग जानते हैं कि फेसबुक जो है वो ब्लू और वाइट में ही क्यों बनाया गया? क्या और कलर नहीं था बचा हुआ दुनिया में? तो मैं एक चीज़ बता दूँ, मार्क जकरबर्ग जो है उनको रेड ग्रीन कलर की कलर ब्राइंड है, यानी कि रेड और ग्रीन कलर वो नहीं देख सकते, लेकिन ब्लू उनके लिए सबसे अच्छा कलर है, वो काफ़ी क्लियरली इसको देख सकते हैं, तो इसलिए फेसबुक जो है वो ब्लू और वाइट कलर में बनाया गया। कैसा लगा आपको आज के अमेजिंग फैक्ट्स जानकर? तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही अमेजिंग टेक अपडेट्स देखने के लिए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, और हमें सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।